इधर जालंधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाधीश को पंजाब सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया और इस दौरान मांग पत्र में बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की गई। प्रधान राजेंद्र बेदी ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आने के दौरान बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। गरीब लोगों के छोटे छोटे घर टूट गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अभी तक मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यही नहीं, किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए उनकी मांग है कि किसानों के साथ साथ जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। देखो अज कुदरती आफत आई आ, उहदे लई असीं अज साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने पहलों भी अनाउंस किया भी सरकार स्पैशल सैशन बुलावे, तो अज असीं उन्हां दे देशां दी पालना करते हुए जिला कमेटियां साडे रजिंदर बेरी जी जिला प्रधान शहरी दास जिला प्रधान जलंधर रूरल अपने सारे साथियों नाल ब्लाक प्रधानों नाल ये अज डी साहब नूं मंग पत्र देना है। साड़ी मंग पत्र दे विच जिहड़ी मंग है मुख मंग एक तो किसानों की जिहड़ी फसल खराब हो गई है। सर मंग पत्र हर पीड़ नूं लैके की हैगा सारा, किन्ने समय हो गए, 10 दिन तों 18 तों उपर हो गए ने, की कहना अज्ज असीं जलंधर शहरी ते दिहाती कांग्रेस वल्लों डिप्टी कमिश्नर जलंधर नूं मंग पत्र दे के आए हां, हड़ां करके जिहड़ी बड़ी वड्डी आपदा साडे शहर दे विच आई है। साडी इही मंग है आम आदमी सरकार तो भगवंत मान वरां को कि पहल दे आधार ते उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े बेचारे बेघर हो गए, जिन्हां दे छोटे छोटे घर सीगे सारे रुड़ गए, जिन्हां दे एक दो पशु रखे सी बेचारियां दे पशु मर गए, जे उन्हां दी एकड़ दो एकड़ फसल सी उह तबाह हो गई। इहो जी जगह दे उपर इहो जी घटना दे उपर सरकार नूं चाहीदा कि जल्दी तो जल्दी उन्हां नूं मुआवजा देण तां कि उह